जिसको हम सोल्यूशन प्रोविजन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द प्लैनेट इन आवर ओन हम्बल ओपिनियन ऑफ कोर्स, पूरी टीम जिसको हम समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है लोगों को, तमाम इंसानों को, स्पेशली मुसलमानों को, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त के, इस वक्त कोई भी बड़ा, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना उसको ढूंढ नहीं रहा। अपने अपने इनफरादी तौर पे सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखते हैं और अपने लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से, इसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बात कर लेते हैं लोग, और अपनी इस इंटेलेक्चुअल नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो मशीन बना के दी है हमें, इस मशीन के कुछ हिस्से अब बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, और कुरान पाक के थ्रू हमें ये भी पता है कि रूह का जो की जो तनसीब है जिस्म के अंदर वो एक खास तरह की नूरी गजा रिक्वायर करती है आपसे, और वो उसको जो तस्कीन मिलती है वो तभी मिलती है जब आप उन इनविजिबल, वेल लेस देन अपेरेंट, नॉट इनविजिबल बट लेस देन अपेरेंटली डिस्क्रिप्टिव साइंस को इंटरप्रेट करते हैं, जो बाहर कुछ और लग रहे होते हैं, होते बहुत बड़ी निशानियां हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता, उस ट्रांसलेशन को इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। वो निशानियां जो कायनात को देख के इंसान सोचता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा और इस पूरे के पूरे सिस्टम का आपसी ताल्लुक क्या है, और अगर है तो फिर क्या करूं उसका, उसको अप्लाई कैसे करूं। छोटी सी 50-60-70 साल की जिंदगी मिली है, उसमें मेरी 30-70 साल की प्लेसमेंट क्या है, 50 साल की प्लेसमेंट क्या है, और समझ ले 100 साल भी गुजार लिए तो क्या क्या इसका इसका शुरू कहाँ से था, मेरे से पहले किसे कहाँ से चलती आ रही थी और उसके बाद कहाँ लेके जाना है। सो हमने इसका एक साइंटिफिक बिहेवियरल साइंस के थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू इसका एक एंगल जो है ना वो समझने की कोशिश की, मैं मेरी पार्टनर्स इन द टीम, और हमने बड़े 12 साल पहले हमने इकोसिस्टम की एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। मैं वो इकोसिस्टम बता दूं, इंटेलेक्चुअल नीड क्यों आपको पहले बताई है, इंसान की इंटेलेक्चुअल नीड क्या है कि वो किसी भी मौके पर जाता है तो वो सोच खुद ही उस तक आती है कि वो किधर है, और ये लेस देन विजिबल बिग लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट क्या चल रहे हैं, इतनी बड़ी कायनात क्यों नजर आ रही है मुझे, और है तो इसमें ये चीजें क्यों भरी हुई है। ये एक इंटेलेक्चुअल नीड है आपकी कि वो आप बार बार अपने अंदर और अपने बाहर देखें, और डीपर क्वेश्चन अंदर से खुद ही आ रहे होते हैं, उनके जवाब तलाश करना शुरू करें। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस वक्त इंसानों को हर वक्त ये होता है कि मेरे अलावा भी, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 7 अरब इंसान है दुनिया में, तो इन सब के सब 7 अरब इंसानों को जो कि 100 सालों के बाद ये सब ने मर जाना है, छोटा वाक्य तो नहीं है, जो इस वक्त जिंदा है अगले 100 साल में, 10-12 सालों में इस वक्त पूरी कायनात अपने कुर्राए अर्ज अपने आप को रिफ्रेश कर दी। वो रिफ्रेशमेंट का जो रिफ्रेशिंग रिफ्रेशमेंट रेट है जो उसका, जो पिछले 100 साल की नस्ल ने हमें हैंड ओवर किया ये कुर्रा, और उसके बाद हमने अगली 100 साल की नस्लों को हैंड ओवर करना है, तो हमने उसका मीडियन निकाल लिया, उसको हम 100-ईयर प्लान बोलते हैं। इकोसिस्टम के नीचे आप ब्रैकेट में देखेंगे 100-ईयर प्लान लिखा होता है। 100 ईयर क्या है, वो स्लाइस है जहां पे 3 नस्लें आपस में कनेक्ट करती हैं। पिछली नस्ल अपने जब एक इंसान का बेटा होता है पैदा, तो जिस भी उम्र में होता है वो बेटा जब तक बड़ा होता है, और उसका आगे से जो बेटा पैदा होता है जो ओरिजिनल इंसान का पोता होता है, पोता इतनी उम्र का हो जाए कि वो सोच विचार करके फिर अपनी इंटेलेक्चुअल कोर को सेटिस्फाई करना शुरू करे और अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करे, इधर बड़े पर्पस को समझे, पर्पस ये कि यहाँ मतलब द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ही हैज टू सॉल्व इज द बिगेस्ट पर्पस, तो वो पिछली अपने बाप से भी पिछली नस्ल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अभी वो जिंदा हो। हम अपने पोतों को बाय एंड फार ज्यादातर लोग अपने पोतों को देख लेते हैं, जब पोता अपनी प्रोडक्टिव एज की जोबन पे आता है तब तक दादा हुजूर जो है ना वो अल्लाह हाफिज कर रहे होते हैं कि ओके मेरा काम हो गया, अब आप दोनों संभालें, और फिर जब उसका आगे से बेटा पैदा होता है तो देन यू नो हिज सन इज जस्ट बिड्स अस गुड बाय कि मेरा काम अल्लाह करे पूरा कर लिया हो मैंने। ये 3 नस्लें गौर में अगर समझ लिया इकोसिस्टम क्या है, द 3 generations विच ओवरलैप इन स्पैन ऑफ 100 years इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द हिस्ट्री टिल नाउ। जितनी मर्जी आपकी बर्थ रेट डेथ रेट चल रहा हो, 3 नस्लें एक दूसरे को देख रही होती, वो 3 नस्लें तमाम तर नॉलेज
सबसे ओरिजिनल जो नस्ल होती है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, नॉलेज स्किल और एट्रीब्यूट्स लेती है, उन बड़े सवालों का जवाब अगर दे सकती है, ढूंढती है अगर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल नीड तो आपके सामने विजिबल है, होते कम है, 1000 में से एक होता है जो इस तरफ तक वो दो करता है। अमूमी लोग अपने अपने मसाइल में गुम रहते हैं, खुबे रहते हैं, और सेल्फिशनेस के थ्रू वो सोचते हैं कि यार टाइम ही कोई नहीं है, क्योंकि यार वाकई टाइम कोई नहीं है, तो अपने बारे में ही सोच के मर जाते हैं। ये पिछली नस्ल का काम होता है कि सबसे उनको झिझोड़ता रहे कि भैया मैंने तुम्हें जो परवान चढ़ाना ना वो बड़े सवालों का, तुम आगे की नस्लें भी तो आनी है ना, हम तीन ही तो नहीं है, मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता ही तो नहीं है, आगे भी तो वो भी तो उतने ही इफेक्टिव लोग होने चाहिए, हमें उतने ही अजीज होने चाहिए। और नबी इस्लाम भी हर हदीस आप देखें कॉमनलिटी तो उम्मती बेस्ड डिसीजन ले रहे थे। उम्मती कौन है? आखिरत में से, क़यामत से पैदा होने वाला आखिरी बच्चा, उम्मती उम्मती, एवरीथिंग वाज बीइंग ट्रांसफर्ड टू उम्मती। इतनी दूर की फोर्स आई थी कि जब सूर फूका जाएगा उससे पहले तक का मुसलमान, उससे पहले तक का इंसान फायदा उठा ले, मैं कुछ कर दूं। ये मेरे नबी इस्लाम की कॉन्स्टेंट सुनना, हम सबको पता। मैं आपसे कह रहा हूं आपने सिर्फ तीन नस्लें गौर में समझनी है ताकि आप अपनी प्रेजेंस को समझ सकें कि पिछली नस्ल से जो कुछ भी मिला, सही मिला गलत मिला, वो आगे आपने नेचुरली बाय द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ज्यादातर चीजें आपने सही समझनी, क्योंकि ज्यादातर लोग कर रहे होंगे आप समझेंगे सही है। इसको हर्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, बड़ी तफसील से कवर करेंगे हम इस प्रोग्राम। और फिर उस हर्ड साइकोलॉजी के थ्रू आप चैलेंज नहीं करते क्योंकि आप समझते हैं अगर ये गलत होता ये सारे तो ना कर रहे होते। इतना बड़ा मसला है ज्यादातर ईराज के अंदर, अदवार के अंदर ज्यादातर लोग गलत ही करते रहे। अल्लाह ताला बार बार इसी कॉन्सेप्ट को बताई, इस नफसियात को बताया जा रहा है कि जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो ना कर। आयत सूरह नाम की क्लियर है कि ज्यादातर लोग तो गुमराही पे ही होते हैं, जो भीड़ भाड़ होती है, कम ही लोग हैं जो अक्ल रखते हैं, कम ही लोग हैं जो सोचते हैं। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं, उनसे पूछ लो जो अक्ल रखते हैं, उनसे पूछ लो, ये निशानियां उनके लिए जो अक्ल रखते हैं, जाके इल्म वालों से पूछो। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार उस इलीट ग्रुप को एड्रेस करी जा रहे हैं कि ये जो बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, ये उम्रें लगा रहे हैं अपनी, और अपनी उम्र ही लगा सकता है जाहिर है बंदा, किसी की तो उम्र नहीं लगा सकता, तो वो पूरी उम्र सर्व करते हैं, कुर्बानी देता है, इतनी बड़ी कुर्बानी देता है वो कि वो नान नफके और भेड़ चाल में ही लगता, वो अकेले में सोचता है और करता है कुछ, और फिर अपने बेटे को बेटी को तैयार करता है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये सारे के सारे मामला शुरू कर, क्योंकि मुझे जब तक अकल आई थी मैंने भी 15-20-25 साल जाया किए थे, क्योंकि वो 25 साल जाया क्या करना था, वो पिछली नस्ल ने मुझे बचपन से तैयार नहीं किया था, अब मुझे अकल आ गई और मैं तैयार कर रहा हूं तुझे। नबी इस्लाम ने शाफ़ा इसने एक बेटे या दो बेटियों को मेरी नहज में बालिग कर दिया, जन्नत में मेरे साथ ऐसे हो, बालिग कर दिया, 12 साल कर दिया, शुरू से प्रेपरेशन कराई कि बड़े सवालों के जवाब, बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने दुनिया के लिए, तुमने ये वाले 12-13 साल ना जाया कर देना। हमें ज्यादातर को अकल आती है 20-25-30 सालों में, और तब हम बोर होते हैं और क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो कि फीलिंग आती है कि अब ये छिछोरी हरकतें लग रही हैं, कुछ बड़ा मामला सॉल्व करना है मैंने, अंदर की आवाजें कुछ और हैं, वो तब तक हमारा बच्चा जो है ना वो 12 क्रॉस कर चुका होता है, 15 क्रॉस कर चुका होता है। साइंस भी अब पहुंच चुकी है कि 12वें साल तक जो कुछ हो गया ब्रेन अब डेवलप, जितना भी कर दिया कर दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे तो काम जितना मर्जी अब करें। फिर हदीस भी क्लियर, 40 साल तक हिदायत नहीं आई, अब नहीं आएगी। जरा सोचें किस नफसियात से हदीस को देखना है, कुरान को देखना, बहुत बड़ा मसला है, वेरी बिग प्रॉब्लम। आप इकोसिस्टम को साथ साथ समझें आप, और इस कोर्स को समझें, ये कोर्स आप करने के लिए आए हैं कि एक नस्ल अगली नस्ल को पूरी नॉलेज, पूरी स्किल और पूरा एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर हैंड ओवर करती है, चाहते ना चाहते हुए करना ही पड़ता है उसको, दानिश्ता तौर पे या ना दानिश्ता तौर पे हैंड ओवर कर रही होती है। वो फॉल्टी नॉलेज है, ब्रोकन नॉलेज है, एक्सपेंसिव स्किल है, नहीं है, वीकर स्किल सेट है, नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्किल सेट दिया, रेलेवेंट स्किल सेट दिया, नहीं दिया, वो तो डिपेंड करता है किस नस्ल ने क्या काम करके छोड़ा हमारे लिए। उसका तरका खाता ही खाता है और उसका नतीजा भुगतता ही भुगतता है अगला बच्चा। इसलिए हर वक्त चैलेंज क्रिएट रखना है अपने अंदर कि कहीं ये सारे के सारे जो है वो मुझे इररेलेवेंट तो नहीं कर रहे थे बड़े मकसद से, या फिर रेलिवेंट करते मगर एक्सेलेंस नहीं लेके आ रहे थे, क्वालिटी नहीं लेके आ रहे थे नॉलेज की, या मेरे एट्रीब्यूट्स की। एंड दैट्स व्हाई आई कीप इनवोकिंग द कुरान एंड द हदीस ऑल द टाइम कि हमारे पास जो है ना मोस्ट प्रेस्टिजियस सॉल्यूशंस हैं, हमने बस वो नफसियात छोड़ दी हुई। और अल्लाह ताला ने 124,000 दफा ये साइकिल रन करके दिखाई कि कैसे हैंड ओवर करते आगे, और फिर आपने आगे से हैंड ओवर करनी,
सो ये तीन जनरेशन का 100 साल का स्लाइस अगर हमने किसी भी एक मौके पे ठीक कर दिया तो अभी 1000 साल तक काफी असर आते हैं उसके मोमेंटम देने की बात है। मैं अपने बेटे को उसके बेटे अपने पोते के लिए अभी से तैयार करना शुरू करो वरना वो अपने पोते के 15-20 साल जाया कर देगा और बहुत बड़ा मामला है। 20 साल जाया करना आप क्लोज टू 50% ऑफ हिज प्रोडक्टिव लाइफ, क्योंकि आखिरी 10-20 साल तो बुढ़ापे में बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, उंगली हिलती नहीं कि कलम चला सके। पहले 5-7 साल भी इतने प्रोडक्टिव नहीं होते, इफेक्टिव बहुत होते हैं, वही डेवलपमेंट के होते हैं, मगर ही इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्लैनेट राइट नाउ। सो ये 20-25 साल ही होते हैं, वो उसमें से भी अगर आपने इस स्पैन को भी अगर डैमेज कर दिया तो ये बहुत ही बड़ा मसला है। आई थिंक इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस की कॉन्सेप्ट है क्या। सो उसके लिए फिर अकेला बंदा काफी भी नहीं होता, उसके लिए ये तो वर्टिकल लाइन बताइए ना आपको, बाप से बेटा बेटे से पोता, ये तो वर्टिकल लाइन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमें लगानी पड़ती है कि सबको इकट्ठा करो, क्योंकि काफी सारी स्किल्स को डेवलप करने में लोगों की जरूरत पड़ेगी, सारी तकरीबन सारी नॉलेज को हासिल करने के अंदर तकरीबन सारा लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोई किताबें लिखेगा तो मैं पढ़ूंगा ना, लोगों की जरूरत पड़ेगी, कुछ मुझे समझाएगा तो मैं समझूंगा, उस्तादता की जरूरत पड़ेगी। एट्रीब्यूट्स बनते ही लोगों के बीच में और लोगों के लिए हैं, गौर से समझे इस बात को, एट्रीब्यूट्स बनते ही लोगों की वजह से हैं और लोगों के लिए हैं। हॉरिजॉन्टल है सारा, वर्टिकल इज योर डेवलपमेंट एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपकी डेवलपमेंट दोनों मिला के बनती, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ये पूरा का पूरा नक्शा आपके सामने होना चाहिए।